कराची समेत मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल, एमकेएम ने तमाम अरकानी असेंबली को कल कराची बुला लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सेनेटर्स को भी फौरी कराची पहुंचने का हुक्म। तर्जमान एमकेएम पाकिस्तान के मुताबिक कन्वीनियर एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तमाम सेनेटर्स, वुजरा, एमएनएस और अरकानी असेंबली को कल कराची में हंगामी तौर पर पहुंचने की हिदायत जारी कर दी। तमाम अरकीन कौमी सेनेट सूबाई असेंबली फौरी तौर पर अपनी तमाम मसरूफियात तर्क करके बरोज इतवार को कराची पहुंच जाए। एमकेएम की जानिब से इतवार को अहम तरीन हंगामी इजलास मुतवक्के है। जराए का कहना है कि एमकेएम पाकिस्तान क्यादत ने इतवार को इजलास फराहमी मुशावरत तलब किया है क्योंकि अब तक हुकूमत की जानिब से किए गए मुआहदों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, लिहाजा अब वक्त तेजी के साथ गुजर रहा है। हुकूमत को तमाम गुजारिशात की गई हैं लेकिन इस अमल दरामद नहीं हो रहा। जराए का कहना है कि एमकेएम से किए गए मुआहदे में चंद ऐसे मुतालबात जिनको सिर्फ 15 मिनट में ही हल किया जा सकता है लेकिन इनको लटकाया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है और जिस पर एमकेएम की कयादत की जानिब से भी बड़े फैसले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जराए का कहना है कि इजलास एमकेएम से इस दिन तलब किया जिस दिन जमनी इलेक्शन है, इस दिन इजलास और अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। जराए का कहना है कि अगर एमकेएम की जानिब से बुरा फैसला आने की सूरत मुल्की सियासत में ड्रामाई तब्दीली आने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है।